मैं मायरा, मैं कायरा, आप सबका स्वागत करते हैं ट्विंस इन आपास किचन में। मीठे की आ रही क्रेविंग करते हैं तीन टाइप की फ्लेवरिंग, अनार और क्रीम का खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन बन जाए, बादाम पिस्ता क्यों पीछे रह जाए, चॉकलेट भी शोभा बढ़ाए। अब मेरा मन ललचाए, चलो मिलकर हम बनाए। आज यूज करते हैं अनार, बादाम पिस्ता, चॉकलेट और फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम, ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट। कायरा, स्टार इंग्रेडिएंट मतलब ये हमारी तीनों डिशेस में यूज होगा। ओह करेक्ट, तो वेट क्या कर रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। 200 ml अमूल फ्रेश क्रीम को एक बोल में एम्प्टी कर देंगे। क्योंकि ये डेजर्ट है, इसमें शक्कर तो पड़ेगी ही। मायरा, क्यों ना हम शक्कर की बजाय स्वीटनर ऐड करें? पर दोस्तों, आप लोग स्वस्थ की जगह पर शुगर भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम 3 टीस्पून स्वर्फ डालकर मिक्स करेंगे, फिर इसमें वेनिला एसेंस 1 टीस्पून डालकर भी मिक्स करेंगे। हमारा पहला डेजर्ट है पोमेग्रेनेट क्रीम। पोमेग्रेनेट में पोषक तत्व है। क्या कहा मायरा तुमने, पोषक? पोषक क्या मतलब? कायरा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, पोषक तत्व मीन्स भरपूर न्यूट्रिएंट्स हैं। ओह, कब से तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी हो गई? बच्चा, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसी ज्ञानी बन जाओगी। मायरा प्लीज, आगे बढ़ते हैं। एक बोल में हाफ पोमेग्रेनेट लेकर उसमें 60 ml क्रीम जितना लेकर मिलाएंगे। इसे मिक्स कर देंगे। तड़ा, हमारा पहला डेजर्ट मिनटों में तैयार हो गया। अब इसे गार्निश हम बाद में करेंगे। हमारा दूसरा डेजर्ट है बादाम पिस्ता, यानी कि आमंड पिस्ताचियोस क्रीम। बादाम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और दिमाग के लिए भी। मतलब जो भी खाएगा बादाम भूलेगा नहीं किसी का नाम। पिस्ता नींद आने में भी मदद करता है, पता है मायरा? कायरा, कब से तुम इतनी इंटेलिजेंट हो गई? प्लीज स्टॉप चोकिंग और आगे बढ़ते हैं। ओके, एस यू से। ये एक एकदम सिंपल रेसिपी है जिसमें हमें 6 to 7 आमंड और पिस्ताचियोस को क्रश कर देना है मिक्सर में, यानी कि एक दो बार घुमा देना है मिक्सर में। और आप स्लाइसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि शीरकुरमा या खीर में हम डालते हैं। अब हमारा स्टार इंग्रेडिएंट अमूल फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करेंगे और सिंपल मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा दूसरा डेजर्ट भी तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी डेजर्ट की ओर, जो कि है चॉकलेट एंड क्रीम। ये हम दोनों की बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि इसमें बिटर और स्वीट टेस्ट होगा। जो भी डार्क चॉकलेट लवर्स है उनके लिए ये ऑसम डिश है। इसमें हम अनस्वीटन हर्शीज का कोको पाउडर, जो कि डार्क चॉकलेट पाउडर है, वो यूज करेंगे। ना हाफ टी स्पून कोको पाउडर जाएगा और वही थर्ड पोर्शन फ्रेश क्रीम जाएगी। ये जो हर्शीज का कोको पाउडर है वो थोड़ा बिटर है टेस्ट में, तो इसके अंदर हम थोड़ा और शुगर ऐड कर सकते हैं या स्वीटनर ऐड कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं कितना थिक कंसिस्टेंसी हो रही है इसमें, बट इट टेस्ट यम। अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करो और खाओ तो आइसक्रीम का टेस्ट आता है। आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेस्टी दिख रहा है। अब हमारी फ्लेवरिंग सब कंप्लीट हो गई है। हम वन बाय वन ऐड करेंगे। तुम उसे ऐड करो, मैं इसे ऐड करती हूँ। ये है पोमेग्रेनेट क्रीम। अब आई बारी चॉकलेट की। चॉकलेट तो हम सबका फेवरेट होता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये डिज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक हम दोनों विदा लेते हैं।